মাসে অগস্ট সারা দেশ জুড়ে মুক্তি পেতে চলেছে কাশ্মীর ভিত্তিক কাহিনী নির্ভর সিনেমা আইডেন্টিটি কার্ড, যার মুখ্য চরিত্রে একজন জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বলিউডের স্টার টিয়া বাজপেয়ী। আর তার সাথে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফোরকান মার্চেন্ট। সম্প্রতি তাদের ব্যস্ত শিডিউল থেকে খানিকটা সময় বাঁচিয়ে গেলেন কলকাতা। তাদের কলকাতা সফরের ফাঁকে তারা ক্যাল কলিংকে জানালেন তাদের নতুন ছবি আইডেন্টিটি কার্ডের নানান গল্প। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अलग किस्म की फिल्म है, यू नो इट्स मच मोर ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल फिल्म। बहुत ही सीरियस इशू है, यू नो, बट वी हैव ट्राइड टू कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया। हमने पूरा कश्मीर का जो जो कारगिल वॉर है और जो बॉर्डर की लड़ाई है, वी हैव नॉट शोन दैट। हमने वॉर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जनरली जो नॉर्मल कश्मीरी पे, जो नॉर्मल लोगों पे होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा फिल्म है। जो इनफैक्ट जो एसटीएफ के लोग होते हैं, पुलिस वालों को हमेशा क्रूअली समझा जाता है, यू नो, बिकॉज दे शूट एट साइट, बट उनकी भी क्या मजबूरियाँ रहती हैं, व्हाट इज़ देयर मेंटालिटी। सो इट्स मच मोर अबाउट कश्मीर एंड कश्मीरीज रादर देन द एंटायर टेररिज्म एंड वॉर। तुम जर्नलिस्ट हो ना, तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। बड़ा आसान है आपके लिए दिल्ली में डिनर टेबल पर बैठ के डिस्कशन करना। आई थिंक द प्रॉब्लम विद कश्मीर इज दिस, आई थिंक कश्मीर इज दैट। देयर आर मोर देन 10,000 पीपल मिसिंग फ्रॉम कश्मीर। पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां गए वो लोग? I am playing a Delhi-based journalist, so I am somehow playing your role in the film. Yeah, and I am someone who is very liberal, and she's a Muslim girl, but she is very liberal, and uska kuch bhi Kashmir ko leke, you know, she doesn't have any arguments about Kashmir, ki Kashmir mein kya ho raha hai, she's not bothered, she's more bothered about her job. सो समहाउ जब वो कश्मीर आती हैं और उनके साथ जो हादसे होते हैं, हाउ हर परसेप्शन टुवर्ड्स कश्मीर चेंजेस, हाउ हर परसेप्शन टुवर्ड्स हर सेल्फ चेंजेस, हाउ शी गेट्स सीरियस इन लाइफ इज व्हाट माय कैरेक्टर इज। जब से हमें यहां लेकर आए हैं, इसे जयपुर की तरह पीट रहे हैं। आई विल नॉट लेट दिस हैपन, ही इज माय गाय। दिस इज वेरी मच अ मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्म। वी वोंट कॉल इट अ मसाला फिल्म बिकॉज दिस इज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड कलरफुल फिल्म वेर द हीरोइन इज वेयरिंग पिंक साड़ी, रेड साड़ी एंड रनिंग अराउंड। दिस इज मोर लाइक ऑन अ सीरियस इशू। पिछले 20 सालों में अब तक पूरा कश्मीर लापता है। डैडी, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। हमने कश्मीर को पकड़ा है मुद्दा करके, आइडेंटिटी कार्ड को मुद्दा बनाया है, बट इट्स अबाउट डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप कहीं भी दुनिया में जाओ, एनी प्लेस विच इज़ वॉर प्रोन, प्रॉब्लम कुछ भी हो, वॉर किसी के भी बीच में, वहाँ के कॉमन्स की सफरिंग क्या होती है, वो अपनी डिग्निटी के लिए फिर लड़ने लगते हैं, उनकी दाल रोटी की लड़ाई शुरू हो जाती है, ये प्रूफ करने के लिए शुरू हो जाता है कि हमें पीस चाहिए हमारी जगह पे, हमें अमन चाहिए, हमें इससे लेन देन नहीं है कि हम पर कौन राज कर रहा है। तो ये कहानी उसी बारे में है। इट्स अबाउट अ कॉमन मैन, अ कॉमन पर्सन, विच इज़ अ कश्मीरी इन दिस केस, एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर डिग्निटी। तो ये फिल्म आई थिंक एवरीवन शुड सी, बिकॉज हर किसी को रियलाइज़ होना चाहिए कि जिनके ऊपर तकलीफ बीत रही है वो कैसे दिन बिता रहे हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी शुड डू फॉर देम। जिन माँ बापों के बेटे गायब हैं उन पे क्या गुजर रही होगी, जिस दिन आपका बेटा गायब होगा ना और उसे गोली मारेगा तब आपको पता चलेगा। खुदा इंसाफ करता है, अलग बंदों को उसके किए की सजा देता है। आपने खुदा को समझ के रखा, उसके पास अपने बंदों को काटने, मारने और दोजख की आग में जलाने के सिवा और कोई काम नहीं है। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस बिकॉज सेट पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे, एवरीवन वाज वेरी कूल, काम एंड कंफर्टेबल, एंड बड़ी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, सो वी हैड टू मेक इट सेंसिबली, कहीं भी ओवर या अंडर नहीं होना था, इट हैड टू हिट द राइट नोट, सो इट वॉज वेरी नाइस। ये बताओ कि तुम्हारा अगला टारगेट क्या है।
जब बाहर वाले आकर इन्हें भड़का सकते हैं, इन्हें बहका सकते हैं, इन्हें गलत रास्ते पर लेके जा सकते हैं, तो क्या आप इन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते?